मित्रों, आप में से अधिकतर लोगों ने हॉलीवुड की हॉरर मूवी तो देखी होगी, और यदि नहीं भी देखी है तो फिर भी आपने इस डॉल को इंटरनेट पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आज हम आपको इस भूतिया गुड़िया की असली कहानी बताने जा रहे हैं। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता, इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। मित्रों, कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनावेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से बिल्कुल अलग है। मित्रों, अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रूएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब भी होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रूएल बच्चों के लिए किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजड़ी अन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनावेले डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए एक बेहद रोचक विषय थी। मित्रों, डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए और मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रूएल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजड़ी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मित्रों, मार्सेला की मौत के बाद जब रेजड़ी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेले डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहां से लापता भी हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो गुड़िया कहां गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन असली डॉल एक एंटिक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की। मित्रों, एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वो डॉल उसे वहां नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में ही मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत से भरे ये नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। मित्रों, एड और लॉरेन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए। लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को भी नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की मानो कि वो उन्हीं को कहीं और ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। मित्रों, म्यूजियम में लाने के बाद से ही एनाबेल को एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया जाता है जिसकी वजह से बुरी आत्माएं एक जगह फंसी रहती हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। मित्रों, आप सबका क्या सोचना है इस डॉल के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें अवश्य देखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।